आओ जी शुरू करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहते हैं ध्यान से रीड करते हैं। सुरेश रमेश एंड तुषार कौन कौन पार्टनर है? सुरेश रमेश एंड तुषार आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। क्या रेशियो है? 6:5:2। रमेश बीच वाला पार्टनर रिटायर हो गया जिसका शेयर 5:15 है, समझते हो ना 5:15, वो रिटायर हो गया। सब कुछ करने के बाद उसका कैपिटल एडजस्टमेंट रिजर्व्स रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी सब कुछ करने के बाद उसके 2,50,400 रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 2,50,400। पर सुरेश और तुषार उसे एग्री हो गए 2,90,000 देने के लिए। ओए होए पागल है क्या ये? किसी के 2,50,400 बनते हो और आप उसको 2,90 दे दो, जरूर ज्यादा पैसे किस बात के दे रहे हो? गुडविल के। किसके दे रहे हो? Goodwill. In full satisfaction of their claim, pass journal entry for the treatment of goodwill. Show the working note clearly. Working note तो कुछ है ही नहीं इसमें। सीधा सीधा कौन दे रहा है बताना? कौन दे रहा है? Gaining कौन है? सुरेश capital debit. दूसरा कौन है? तुषार capital debit. दे किसको रहे हैं? रमेश capital को credit कर देंगे। कितने पैसे ज्यादा दे रहे हैं? 2,90,000 दे रहे हैं और बनते हैं 2,50,400 बनते हैं। तो कहने का मतलब 39,600 ज्यादा दे रहे हैं। 39,600 ज्यादा किस बात के दे रहे हैं? गुडविल के दे रहे हैं। कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। और क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो गेनिंग रेशियो क्या होगी बताओ? 6:4। क्या होगी? 6:4। तो करो एक बार, करो 3,960 मल्टीप्लाई बाय 6 करो। 3,960 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा बताओ? 23,760। एक और जीरो, 2,37,600 हो जाएगा। और बताओ 3,960 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है? सही, 15,840। अब उन दोनों का सम देखो, 39,600 बनता है, बनता है। ठीक है जी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। बस इतना ही, कुछ नहीं करना। और एक मन कर दो, एक एंट्री और कर देना, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर लोन अकाउंट, क्योंकि जब रिटायर हो गया तो पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन में। कितना? 2,90,000। 2,90,000। कोई डाउट? लो वैसे करने की जरूरत नहीं थी। आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। बुक से एक बार ध्यान से रीड करते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है गिन्नी बिन्नी मिन्नी, ओए होए क्या नाम है? गिन्नी बिन्नी मिन्नी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2:2। मतलब 9 हो गया टोटल। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 आर एज फॉलोज। बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से गिवन है। बैलेंस शीट में आपको गिवन है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डॉट लगा दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्या लगा दो? डॉट लगा दो। नेक्स्ट कैपिटल्स में गिवन है, गिन्नी बिन्नी बिन्नी का कैपिटल गिवन है। एसेट साइड में कैश गिवन है, डेटर गिवन है, डेटर पे प्रोविजन गिवन है। इन्वेंटरीज गिवन है, मशीन फर्नीचर गुडविल और बिल्डिंग गिवन है। भाई साहब वहां से आगे गुडविल पे भी क्या लगा दो? डॉट लगा दो, क्योंकि हमें क्या करना होगा इस पे, अभी इसे राइट ऑफ करना होगा। भाई साहब 6 पॉइंट है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, बैड डेट्स कितने के हैं? 5। और डेटर पे प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? भाई साहब जो मैंने पॉइंट कराया था बिल्कुल सेम वैसे का वैसा आ गया। फिर कहता है सेकंड पॉइंट में, पार्टनर्स हैव डिसाइड टू राइट ऑफ द गुडविल। ओ भाई नहीं भी कहता तो हम उसे राइट ऑफ करते, तो हमें कुछ नया नहीं बता रहा। कह रहे नई फर्म की गुडविल कितनी है बताओ? 54,000। और न्यू पीएसआर कितनी है बचे हुए पार्टनर्स की? 5:4। ठीक है, एसेट्स में इन्वेंटरी 130 की, मशीन 82,000 की, फर्नीचर 195 का, बिल्डिंग 6,00,000 की हो गई। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना हो गया? 23,000। कितना हो गया? 23,000। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से पढ़ो, देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारे पास? एक कितने हजार की? इट वाज डिसाइड टू पे ऑफ द गिन्नी बाय गिविंग हर
अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर पार्ट क्लेम ऑफ 28,000। ओए होए, सिक्स पॉइंट को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें 25,000 की क्या मिली? अनरिकॉर्डेड एसेट। हम मान रहे हो कितने की है? 25 की, तो 25 फायदा। उस 25 की इन्वेस्टमेंट को गिनने कितने में ले गई? 28 में। ओ भाई साहब, मजा ही आ गया। अब तीन और प्रॉफिट हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 28,000 का। रिमेनिंग पैसे हम उसको कितने महीने बाद दे देंगे? 2 महीने के बाद दे देंगे। सिक्स पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। देखो, मेरे को एक चीज पाई सड़क से, मैं कह रहा हूं 25 की है, तो मेरे को 25 का फायदा हो गया। एक पार्टनर मुझे कह रहा है कि मैं इसे कितने में ले जाऊंगा? 28 में ले जाऊंगा। किस में ले जाऊंगा? 28 में ले जाऊंगा। तो भाई साहब, मेरा 28 का फायदा। चीज तो हमारे लिए कितने की थी? जीरो की थी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है वो, क्या बना के दिखा दो? रिवैल्यूएशन बना दो। और क्या बना दो? पार्टनर्स कैपिटल। वो दो कह रहा है। आओ जी शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 7th, किसका? रिटायरमेंट का, सीबीएसई सैंपल पेपर 2022। मैंने आपके लिए सारे अकाउंट बना दिए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, और साथ में क्या बना लिया हमने? वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई आइटम्स को पुट किया जाए। तो सबसे पहले क्या लिखा है बताओ? बाय बैलेंस बीटी, बताओ कितना है? बाय बैलेंस बीडी, बताओ कितना कितना है? बोल, 4 लाख, 3 लाख, 2, 4,60,000, 3 लाख और 2,90,000। कोई डाउट? अब एक बात समझो, लायबिलिटी साइड में क्या पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। कितने का पड़ा है बताओ? 32। कितने का पड़ा है? और लायबिलिटी कितने की है बताओ? 23। कितने की लायबिलिटी पड़ी है? जो 23 की लायबिलिटी है उसे बैलेंस शीट में लिख दोगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 23,000। यस और नो? बोलो बोलो बोलो, यस और नो? हाँ या ना? चले, अब सुनो मेरी बात। तो कितना बच गया बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा था हमारे पास? बोलो, 32। लायबिलिटी कितने की बनी? 23। तो फ्री कितना बच गया? 9,000। 9,000 किसमें बांट देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई पीएसआर गिवन है पार्टनर्स की? बोलो क्या गिवन है? 5:2। तो कितना बांटेंगे? 5,000, 2,000, 2,000। बोलो यस और नो? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? पहले बोलो, यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में 32 गिवन था, 23 की तो लायबिलिटी थी, उन्होंने लायबिलिटी में डाल दिया। पॉइंट पढ़ो अगले पेज पे जाके, यही पॉइंट लिखा हुआ है। और बचा हुआ 9,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट मैडम? कोई डाउट? आगे चलो, उधर से गुडविल पड़ी है 63,000 की। क्या पड़ी है? तो वो तो कूड़ा है, राइट ऑफ करो गुडविल। बताओ 63,000 को 9 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 7,000। बता दो, 7,000 ना? 7×2=14। खत्म बात। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? पहले बताओ क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? अब बताओ क्या हुआ उसके बाद? चले, क्या लिखा हुआ है? हो गया, बैलेंस शीट में सारी आइटम पुट हो गई, बैलेंस डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, लॉस राइट ऑफ कर दिया, गुडविल वाला पुराने कूड़ा फेंक दिया। पहला पॉइंट, डेटर कितने के बैड डेट हो गए? 5,000 के। कितने के बैड डेट हो गए? बैलेंस शीट में जाओ, लिखो डेटर्स, डेटर्स। और यहां मैं लिख रहा हूं डेटर्स वर्किंग नोट्स में। कितने के डेटर्स है बताना? बताना बोलो, 38,000। कितने के बैड डेट हो गए? 5,000 के बैड डेट हो गए। तो बताओ कितना बचा? 33,000। अब बताओ रिवैल्यूएशन में बैड डेट कितने आएंगे? 5,000। ऑलरेडी 2,300 पड़ा है, तो कितना और आएगा? 2,700। कितना आएगा बेटा? 2,700। यस और नो? बोलो भैया, यस और नो? माइनस प्रोविजन कितना बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10%। बनाओ,
3300 रुपए का बना दो तो बताओ कितना हो गया, 29700 आ गए। यहां लिखेंगे 29700 और यहां क्या लिखेंगे बताओ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 3300। यस और नो? यही तो पॉइंट किया था अभी हमने, अभी यही तो पॉइंट सीखा है हमने 2 मिनट पहले। हो गया घंटा, ठीक है जी, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा क्या कहता है, कहता है पार्टनर्स हैव डिसाइड टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, वो तुमने राइट ऑफ करी थी, मैं नहीं कहता हम तब भी करते। थर्ड, नई फर्म की गुडविल कितनी है, 54,000, कितनी है 54,000, तो करें, और नई रेशियो दे रखी है 5:4, करें या सीधा शॉर्टकट कर दे, शॉर्टकट बताओ कौन कौन पार्टनर है, गिन्नी बिन्नी मिन्नी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड, ओल्ड क्या है 5:2:2, फर्म की गुडविल बोलो कितनी है 54 को 9 से डिवाइड करो 6, 6 5 30, 12 और डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे, न्यू, रिटायर कौन हो रहा है, बिन्नी, नई रेशियो क्या है, गिन्नी और रिटायर, तो गिन्नी गई, तो ये 0 हो गया। अब 54 है ना फर्म गुडविल, कितना हो गया 30 और 24, पक्का ही आ रहा है, सोच लो, क्रेडिट करेंगे ओल्ड में, डेबिट करेंगे न्यू में, तो गिन्नी को कितने पैसे देने हैं, 30 क्रेडिट करने हैं, 18 क्या करने हैं डेबिट, 12 क्या करने हैं डेबिट, तो किससे लेने हैं, बिन्नी मिन्नी से लेके किसको देने हैं, गिन्नी को, तो लो भाई लो, किसका नाम लगाओगे, गिन्नी का, और किसके अकाउंट से 18-12 काट लोगे, बिन्नी के और मिन्नी के, और इसको 30 देने हैं ना, गिन्नी को 30 देने हैं, तो 2 फिर यहां पे, नाम किसका लगाओगे, बाय जीस कैपिटल, हाँ सॉरी बाय बीस कैपिटल और एम कैपिटल, कितने दोगे इसको और कितने दोगे, डैश 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 डैश। इस एंट्री को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये गुडविल की ट्रीटमेंट में बच्चे फंस जाते हैं, यही ट्रीटमेंट है जिसमें फंसते हैं। पहले बताओ ये समझ आया, फर्म की गुडविल कितनी थी 54 को क्रेडिट कौन सी रेशियो में किया, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, डेबिट किसमें किया, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में, तो एंट्री बन गई जी क्रेडिट 30, बी डेबिट 18 और एम डेबिट 12, तो इन दोनों को डेबिट करना है, डेबिट कर दिया देखो 18-12, नाम किसका लगा दिया जी का, अब जी को क्या करना है 30,000 से क्रेडिट, तो नाम किसका लगाएंगे, बी का और एम का 18-12, ये देखो, यस और नो, कोई डाउट किसी को यहां तक, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं इससे आगे, यहां तक सबका नोट हो गया, आगे चलो फिर बताओ क्या हुआ, आगे चलो, फिर कहता है इन्वेंट्री 1:30 की हो गई, कितने की हो गई, पहले देखना इन्वेंट्री कितने की है, 1:34 की, तो कितने का नुकसान हो गया, 2 स्टॉक, कितने हजार का, 4,000 का, और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आ जाएगा बोलो, 1,30,000। इन्वेंट्री के बाद बोलो क्या हो गया बेटा, मशीन 82 की हो गई, मशीन कितने की हो गई, फिर नुकसान हो गया 18,000 का, 2 मशीनरी, 1,00,000 की मशीनरी 82 की रह गई, तो 18 का नुकसान हो गया, और नई बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की आ जाएगी, 82,000 की। आगे बोलो, फर्नीचर कितने का रह गया, कितने का हो गया, 195 का, 15,000 से फर्नीचर हमारा, तो बाय फर्नीचर 180 की चीज 195 की हो गई, तो फर्नीचर अब कितने का आएगा बुक्स में, 1,95,000 का। यस और नो, कोई डाउट यहां तक किसी को, आगे चले, बिल्डिंग 6,00,000 की हो गई, बिल्डिंग कितने की हो गई, 6,00,000 की, बिल्डिंग कितने की हो गई बोलो बेटा,
बिल्डिंग कितने की होगी बोलो बेटा, 6 लाख की, तो करो। पहले कितने की थी, बाय बिल्डिंग 30,000 का फायदा हो गया, और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की चली जाएगी, 6 लाख की। हालांकि उसने हमसे बैलेंस शीट पूछी नहीं है। आगे चले, बिल्डिंग का पॉइंट समझ आ गया, 570 की कितने की हो गई, 6 लाख की, तो 30 का फायदा हो गया, और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की आ गई, 6 लाख रुपए की। कोई डाउट? आगे चले, अब फिफ्थ पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला। सिक्स पॉइंट को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हमारे पास हमें पुरानी इन्वेस्टमेंट पाई है अंदर से ही, मतलब हमने कहीं कागज वागज ढूंढे होंगे तो उनमें हमें पुराने क्या मिल गए, अनएक्सपेक्टेडली क्या मिल गए, शेयर्स। कितने के हैं वो, वो गिन्नी कितने में ले गई उन्हें, तो क्या करेंगे एंट्री बताओ, सीधा एक एंट्री कर दूं, क्या लिखेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड असेट ब्रैकेट में क्या आएंगे, शेयर्स, या आप इसे लिख सकते हो बाय इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे, बाय इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड असेट शेयर्स। कितने के हैं ये, कौन ले गई, तो यहां क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। कितने में ले गई गिन्नी, 28,000 रुपए में। कितने में ले गई वो इसे, 28,000। फिर तीन कहां जाएंगे, फिर तीन दोबारा यही आएंगे, फिर तीन दोबारा यही आएंगे। टोटल मैंने कहा कि 28 की वैल्यू की और 28 में वो ले गए। कोई डाउट बेटे, एक गिन्नी है गिन्नी, ठीक है। तो पहले मेरे पास 25,000 के शेयर थे, कितने के शेयर थे बताओ, 25 के। तो क्या एंट्री करी होगी जब मुझे वो शेयर पाए होंगे, तो मैंने कहा होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से, 25,000 से। फिर इस इन्वेस्टमेंट को कौन ले गई, कितने में, तो फिर हमने कहा होगा गिन्नी डेबिट, गिन्नी कौन है पहले बताओ, कपिल शर्मा की वाइफ, ठीक है, गिन्नी डेबिट, गिन्नी कितने से डेबिट करोगे बताओ, 28 से। टू इन्वेस्टमेंट कितने की जा रही है पर, 25, टू फायदा हो गया, तो फिर रिवैल्यूएशन में कितने डाल देंगे, 3। तो मैंने एक ही बात कर दी ना, रिवैल्यूएशन को पहले 25 और 3 से करने की बजाय मैंने सीधा कितने से कर दिया, और गिन्नी होनी कितने से डेबिट थी, 28 से। गिन्नी कितने में लेके गई है उसको, 28 में। बताओ कोई डाउट यहां तक पहले किसी को, आगे चले, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट बस एक इंपॉर्टेंट था, जिसकी मैंने आपको जल एंट्री भी लिखवा दी। पहले 25 में पहले 25 में लेके आए, फिर वो उसको 28 में ले गई, तो 3 का फायदा फिर से हो गया। आगे चले, अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, बताओ प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, तो कितना प्रॉफिट है बोलो, बताओ कितना प्रॉफिट है बोलो, उधर से तो 73 आ रहा है, 45,000 करके देख लो भाई एक बार, कितना है ये, 3, 6, 10, 28 से 28, हाँ 45,000, शाबाश। कितना प्रॉफिट है, 45,000, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दोगे, 45,000 को 9 से डिवाइड करो, 5, कितना हो गया, 25, 10, 10। गिन्नी रिटायर हो गई, गिन्नी क्या हो गई, तो गिन्नी का पैसा कहाँ डाल देंगे, गिन्नी के लोन में, और बाकी का बाकियों का क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। एक काम करो, करो 4, 60, 30, कितना हो गया, 5, 20 में से माइनस कर दो, ये 5, 20 में से माइनस करके बताओ क्या आता है, ₹4,57,000। और इनका बताओ, 3, 12 में से माइनस कर दो,
32 हो गया ना, करो बताओ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 280, 56 कैसे हो सकता है यार, ये 3 12 है, 3 12 में से 22 गए, 280,000 उसका बताओ कितना, पूरा 2 लाख, सिक्स तो आएगा ही नहीं यार, 276 आएगा, 276 ठीक है जी, 276 आ गया ये। अब पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, क्या पढ़ा है उसमें सबसे पहले बताओ, बोलते जाओ क्या पढ़े हैं, कितने हैं, 56, फिर क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, अच्छा जी फिर क्या पढ़ा है, नहीं नहीं फिर क्या, फिर और तो कुछ नहीं है ना, फिर क्या आएगा, गिन्नी का लोन आ जाएगा, गिन्नी का लोन कितना है, 4,50,000, फिर पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन आ जाएंगे, बी का कैपिटल आ जाएगा और किसका कैपिटल आ जाएगा, एम का कैपिटल, ये कितना आ जाएगा, 2,80,000 और ये हो जाएगा 2,76,000, खत्म। एसेट साइड पे आओ, एसेट साइड में क्या क्या पड़ा है, कैश पड़ा है, कैश कितना है बताओ, बोलो 300, अच्छा आगे बताओ क्या है, कैश के बाद, कैश के बाद डेटर है हमारा, हो चुका है, डेटर के बाद क्या है, इन्वेंटरी स्टॉक हम डाल चुके हैं, फिर मशीन हम डाल चुके हैं, फर्नीचर हम कर चुके हैं, बिल्डिंग हम कर चुके हैं, गुडविल बांट चुके हैं, ये आप चेक करोगे, आप कहोगे हाँ हो गया हो गया, कोई आधे बीच में आइटम रह गई तो फिर फंस जाओगे, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, करो क्या आता है इसका सम, करो इसका सम क्या है, ये मैं नहीं कर रहा, जल्दी बताओ क्या आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कोई गड़बड़ आ रही है, नहीं ठीक है, देखो 500 और 500 हजार, 300 और 700,000, इसका मतलब मैच कर ही रही है, 11,54,000 और ये वाली साइड भी क्या आ रहा है, पक्का ही है, करके देखो एक बार चेक करो, 11,54,000 बन रहा है आंसर,